हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। ये है टिक्स। तो अभी क्या है गाइस कि ऑलिव जो है वो उसके 7 दिन हो चुके हैं इसके प्रेग्नेंट हुए, तो इसलिए अभी हम लोग ऑलिव को कुछ नहीं लगा सकते ना, तो रेड्स लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑलिव को टिक्स हटाने के लिए। तो ये जो है ना, ये जो टिक निकला है उसको हम लोग पहले उल्टा कर देते हैं। वो ये निकला है जैम्बो के अंदर से, तो इससे तो हमको पता चल गया कि जैम्बो के अंदर टिक्स है पर ऑलिव के अंदर जो है वो टिक्स नहीं है। तो हम लोग जैम्बो के ऊपर तो यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अगली वीडियो क्या होगी कि हम लोग जैम्बो को अच्छे से नहलाएंगे रेड से ताकि टिक्स ख़त्म हो जाए, उससे ऑलिव में भी नहीं आएंगे। इसलिए ऑलिव को हमने दूसरी तरफ रखा और जैम्बो को दूसरी तरफ। और एक बात ये देखो ऐसे कितने सारे होंगे अभी जैम्बो की बॉडी पे, कितना बड़ा है ये। तो बस गाइस यही वीडियो बनानी थी, छोटी सी अपडेट देनी थी कि जैम्बो को टिक्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो उसके ऊपर होगी। तब तक के लिए बाय। रुको रुको रुको, एक और बात, अगली वीडियो में आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें हैं रेड्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा टिक्स के लिए। इन्हें हला देने के बाद कौन सा पाउडर आप लोगों को यूज़ करना है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना भूलना मत। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बाय।